नमस्कार, मैं रोहित कुमार, आप निश्चित नेशन देख रहे हैं। सुशांत सिंह राजपूत मामले में सुप्रीम कोर्ट ने बिहार में दर्ज FIR को सही ठहराया, तो दूसरी तरफ इस पूरे मामले की CBI से ही जांच कराने के आदेश दिए, जिसके बाद परिवार बेहद खुश है। आपको बताएं कि लगातार परिवार की तरफ से इस बात की मांग हो रही थी कुछ तो ऐसा है जिसे मुंबई की पुलिस जो है या वहाँ की जो स्थानीय सरकार है वो छुपाना चाहती है, वो उस सच को सामने नहीं आने देना चाहती है। लिहाजा जो है इस पूरे मामले की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में हुई और सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले पर जो है वो फैसला दिया है, जिसमें के बाद अब ये पूरी जो जांच है वो CBI के जिम्मे पहुंच मिल गई है, यानी कि CBI पूरे मामले को इन्वेस्टिगेट करेगी। इन तमाम चीज़ों पर जो सुशांत सिंह राजपूत हैं उनके भाई नीरज कुमार बबलू हैं, उन्होंने क्या कुछ कहा है पहले ये सुनिए। परिवार और पूरे करोड़ों लोगों को आशा और उम्मीद जगी है, उनके आशा के अनुसार फैसला आया है और तमाम लोग चाहते थे CBI और उच्चतम न्यायालय का निर्देश आ गया कि CBI पूरी तरह जांच करेगी, हर मामले को जांच करेगी और पटना में जो FIR हुआ है उसको उन्होंने सही बताया है। तो हम परिवार की तरफ से आभार व्यक्त करते हैं उच्चतम न्यायालय का, करोड़ों लोगों का आभार व्यक्त करते हैं, तमाम चैनल्स का हम आभार व्यक्त करते हैं जिन लोगों ने इस मुहिम को यहाँ तक पहुँचाया। और अब आशा उम्मीद जगी हुई है कि CBI जाँच होगी तो निश्चित रूप से सुशांत को न्याय मिलेगा, ये तसल्ली हम लोगों को हो गया है। तमाम चीज़ें दूध का दूध पानी का पानी साफ हो जाएगा, ये आशा उम्मीद हम लोगों को जगा हुआ है। तो परिवार बेहद खुश है। सुशांत सिंह राजपूत के पिता जो हैं के सिंह, उनके तरफ से पटना के राजीव नगर थाने में एक FIR दर्ज की गई थी। FIR में उन्होंने तमाम तरह के आरोप लगाए थे, उसके बाद यहां से जांच करने के लिए बिहार पुलिस की टीम भी मुंबई गई थी, जहां पर उसे काफ़ी ज़्यादा जो है असहयोग का सामना करना पड़ा, उन्हें सहयोग नहीं मिला वहाँ पर। इन तमाम चीज़ों के बाद खूब सरकार पर की नीयत पर सवाल खड़े किए गए महाराष्ट्र सरकार पर, और इन तमाम चीज़ों के बाद अब जब सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले की जांच के लिए CBI को ही नियुक्त कर दिया, एक तरीके से आप कह सकते हैं कि CBI इस पूरे मामले की अब जांच को आगे बढ़ाएगी, उस पर क्या कुछ कहना है सुशांत सिंह राजपूत के चाचा का, छोड़े जाते हैं आपको उनके बयान के साथ। सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया है यह तो बहुत स्वागत योग्य है, ये तो बहुत अच्छी बात है। जिस तरह महाराष्ट्र पुलिस वहाँ पर इस मामले को रफा दफा करने के फेर में थी, जांच को टाल मटोल साक्ष्य को छिपा रही थी, उस स्थिति में तो CBI की जांच बहुत महत्वपूर्ण रखता है और ये हम लोगों के लिए स्वागत योग्य है। महाराष्ट्र पुलिस जब सही ढंग से जांच नहीं कर रही थी तब पटना राजीव नगर थाना में मामला दर्ज किया गया, और मामला जब दर्ज किया गया तो यहाँ से जो पुलिस गई है तो उसको वो लोग जाँच करने के लिए बहुत ढंग से बाधा उत्पन्न किया, वहाँ के यहाँ के अफसर को क्वारंटाइन कर दिया गया। इस स्थिति में तो हम लोगों को काफ़ी असंतोष हुआ। तो यह जो सुप्रीम कोर्ट में रिया चक्रवर्ती की का याचिका जो है वो सुप्रीम कोर्ट द्वारा जो खारिज कर दिया गया है, ये तो हम लोगों के लिए बहुत खुशी की बात है, बहुत हर्ष की बात है। हम माननीय सुप्रीम कोर्ट का निर्णय का स्वागत करते हैं और ये काफ़ी सराहनीय बात है।